सिर पर वार करके बच्ची की गला घोटकर हत्या करने वाले 23 वर्षीय आरोपी निखिल सदाशिव सेलोरे को उम्र कैद और 25,000 रुपए की जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पे 6 महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जुलाई 2016 आरोपी निखिल सेलोरे सुबह लोहे के बट्टे से पत्नी के सिर पे वार किया और बच्ची और पत्नी की गला घोटकर हत्या की। इस संबंध में गिरट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विद्याधर काकतकर इनके न्यायालय में मामले को दाखिल किया गया था। लोक अभियोजक वकील दीपक वैद्य ने सरकार की ओर से अदालती कार्रवाई में उन्होंने सरकार की ओर से कुल 16 सरकारी गवाहों का परीक्षण किया और जोरदार बहस करके आरोपी के खिलाफ मामले को साबित किया। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास भी लगाया गया है। इस मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक SY थोटे, पुलिसकर्मी अजय वानखेड़े, प्रशांत ठोमरे ने मामले को सुलझा के आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए थे। साथ ही पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पावड़े ने अदालत में एक याचिका अधिकारी के रूप में मामले में विशेष रूप से कड़ी मेहनत की। सरकारी साक्षीदारांच्या पुराव्या नंतर आर्ग्युमेंट झाल्यानंतर आज निकाल होता। त्या निकालामध्ये कोर्ट नंबर 1 निखिल सेलोरे आरोपी यांनी त्याची पत्नी हिला मध्यरात्री झोपेत असताना बत्त्यांनी डोक्यावर मारून आणि तिची लहान मुलगी या गळ्यांनी दुपट्ट्यांनी गळा आवळून खून केला। दोघींचा असा आरोप होता तो सिद्ध झालेला आहे। शासनाने आपल्यातर्फे 16 साक्षीदार तपासले। या 16 साक्षीदारांच्या पुराव्यानुसार गृहित धरून कोर्टाने त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठवली आहे आणि सोबत 25,000 रुपये दंड भरल्यास 6 महिन्याचा कारावास ठोठवलेला आहे। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि यनौरकर की रिपोर्ट।